एक शून्य चाहिए, अशी एक कविता जितेंद्र जोशीने लिहिली आहे. आणि एका इंटरव्ह्यूमध्ये डॉक्टर आनंद नाडकर्णींनी बहुतेक त्याचा तो इंटरव्ह्यू घेतला होता, तर त्याने ती ऐकवली. बहुतेक त्याने कुठलंही पुस्तक प्रकाशित केलेलं नाही आहे, पण ती एवढी आवडली मला मी ती लिहून काढली. एक शून्य चाहिए, एक शून्य चाहिए, ठहरा ठहरा रुका रुका, विचारों का तापमान भी न्यून चाहिए, एक शून्य चाहिए. शून्य सफल है शून्य से ही, शून्य सफल है शून्य से ही, शून्य असफल है शून्य से ही, शून्यों का अभी अर्थ न पूछो, मुझ जैसे अर्थ शून्य से ही. शून्यों का कब कहा ठिकाना, शून्यों का कब कहा ठिकाना, शून्यों का कब कैसे मिल पाना, जिस संख्या से करो कम गुणों मिलाओ, जिस संख्या से करो कम गुणों मिलाओ, फिर भी शून्य है पाना. शून्य सरल है दुनिया का स्तर, शून्य सरल है दुनिया का स्तर, शून्य से डरता मनुज और ईश्वर, शून्य सरल है दुनिया का स्तर, शून्य से डरता मनुज और ईश्वर, शून्य भंवर है फंस जाएगा, शून्य भंवर है फंस जाएगा, शून्य है बंधन डस जाएगा. शून्य विविधता ना दिखलाए, शून्य विविधता ना दिखलाए, शून्य न भाषा कोई सिखाए, शून्य है अलग एक सा दिखता, शून्य है अलग एक सा दिखता, शून्य बस स्वयं को शून्य दिखाए. गर्भ था शून्य मां जब जन्मी, गर्भ था शून्य मां जब जन्मी, मैं था शून्य गर्भ जब जन्मा, शून्य सफर से शून्य सफर तक, शून्य सफर से शून्य सफर तक, शून्य से ऊपर शून्य बसर तक, मैं अब शून्य एक बनना चाहूं, मैं अब एक शून्य बनना चाहूं, और हूं एक शून्य अगर बन ना पाऊं, और हूं एक शून्य अगर बन ना पाऊं.